बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि ठीक हैं बच्चे। हमने एक्सरसाइज नंबर 7 के, मैंने आपको पहले भी बताया था ये कि ये लॉन्ग एक्सरसाइज है काफ़ी, और आपने इसके पहले 7 क्वेश्चन कर लेने हैं। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से लेके एंड तक आपने इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन नंबर लिखते हैं 8, वहाँ पर अमाउंट लिखी हुई है कि वो क्वेश्चन एच है, एज उसका 8 है। 9394989 divide 963 आपने सॉल्व लिखा, सॉल्व के बाद आपने इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते। सबसे पहले आपने लिखा कि 9394989 और बाहर आपने लिखा 963। अगर हम इसको 991 जार करें तो ये नेक्स्ट है 39 और यहाँ पे 63 है। इट मीन्स बाहर वाली अमाउंट आप लोगों की बड़ी हो जाती है, इसलिए अंदर वाली अमाउंट्स यानी डिवाइडेंड में हम पहले 4 डिजिट्स को लेंगे। आपने सबसे पहले 963 को 9 से मल्टीप्लाई करें। 9 3s are 27 टू कैरी, 9 6s are 54 54 56 and 50 55 and 56 and 5 carry, 9 9s are 81 81 में आप 5 करें तो 86 ये आपके पास आ रहा है कि 9s are 8 6 and 7 पहले आपने 4 डिजिट्स के साथ किया है उसको। इधर से आपने 14 14 में से 7 7 8 8 में से 6 ताकि आपके पास आ जाएगा 2, यहाँ पे 13 13 में से 6 बाकी आ गया 7, ऊपर से अब आपने ले लिया है 9। अब आपके पास 72 है तो 9 8s are 72 पूरा हो जाता है, लेकिन पीछे से अगर कैरी करेंगे तो बढ़ जाएगा, इसलिए एक छोटा डिजिट रखते हैं। 963 को हम 7 से करते हैं। 7 3s are 21 टू कैरी, 7 6s are 42 44 4 कैरी, 9 7 9s are 63 63 में 4 तो 67 यानी 6 7 4 1। अब आपने यानी 7s are किया है यहाँ पे 6 7 4 1 सब्ट्रैक्ट, 9 में से 1 8 7 में से 4 3 यहाँ से आपने किया 12 12 में से 7 5 या 6 में से 6 0 लगाने की जरूरत नहीं है, ऊपर से हमने आएंगे 8। अब ये 53 है तो हम 9 6s are 54 होता है, 53 है इसलिए इसको 5 से करेंगे। 9 6 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 3s are 15 1 कैरी, 5 6s are 30 31 3 कैरी, 5 9s are 45 45 and 48 यानी कि 5s are 4 8 1 5 8 में से 5 3 8 में से 1 7 एंड यहाँ से कह लिया 13 13 में से 8 5 ऊपर से फिर आपके पास आ जाएगा 9 9 आ जाएगा। अब 54 है आपके पास, हम इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि 9 6s are 54 होता है, 9 6 3 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3s are 18 1 कैरी, 6 6s are 48 और 1 49 सॉरी 6 6s are 36 और 1 37 3 कैरी, 9 6s are 54 54 में 3 ऐड करें तो 57 78 है, बट बेटा यहाँ पे 57 39 है, इट मीन्स अमाउंट छोटी होगी, 6 से किया था, इट मीन्स आप 5 वाली अमाउंट को दोबारा रिपीट करेंगे। 4 8 1 5 सब्ट्रैक्ट करें, 9 में से 5 बाकी 4
थ्री में से वन टू, यहाँ से सेवनटीन, सेवनटीन में से एट, बाकी आ गया नाइन। तो अब आपके पास ये अमाउंट है 963, बट ये अमाउंट है 924 और लास्ट पे हमारा कोई डिजिट भी नहीं है। सो आपके पास ये आपका होगा क्वेश्चन और ये आपके पास हो जाएगा आपका रिमाइंडर। आपने ये सारे क्वेश्चंस इसी तरह से सॉल्व करने हैं। एक मैं आपको क्वेश्चन और करवा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर आपके पास है एन। इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखें, ये आपने अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर एन यानी के सेकंड लास्ट है आपके पास क्वेश्चन को, उसकी अमाउंट लिखी हुई है आपके पास 1528137 डिवाइड 333। सॉल्व लिखे, आपने लिखा इस अमाउंट को दोबारा से, ये अमाउंट दोबारा देख ले 1528137, यस 1528137, इसको 333 से करते हैं। अब मेरी बात सुने, हमने अगर 3 5s are 15 पूरा पूरा कर लेते हैं तो पीछे से जो हमारे कैरी होंगे वो बढ़ जाएंगे, इसलिए इसमें एट डिजिट्स को कम रखते हैं, 333 को 4 से करते हैं। 3 4s are 12 वन कैरी, 3 4s are 12 और 1 13, फिर वन कैरी, 3 4s are 12 और 1 13, यानी कि 4s are 1 3 3 2। अब सब्ट्रैक्ट करें, 8 में से 6 12, 12 में से 3 9 4, बाकी आ गया 1, ऊपर से आप ले आए 1। अब आपके पास है अमाउंट 19, 3 5s are 15 होता है, अगर 3 6s are 18 करेंगे, पीछे से कैरी करेंगे तो वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इसलिए इसको 3 5 से करेंगे, 3 3 3 को 5 से। 3 5s are 15, 5 1 carry, 3 5s are 15 और 1 16, फिर 1 carry, 3 5s are 15 और 1 16, यानी 1 6 old and 5 5s are 1 6 5। यहाँ से आ गया 11, 11 में से 5 6, यहाँ पे 5 रह गया, 15, 15 में से 6 9, यहाँ पे आपके पास रह गया 8, 8 में से 6 2, हमारे पास अब आ रहा है डिजिट 3। अब डिजिट 3 है तो 3 9s are 27 होता है, तो अब अगर पीछे से कैरी आई करेंगे तो वो ज्यादा बढ़ जाएगा, हम इसको 8 से करते हैं, 3 3 3 को 8 से, 8 3s are 24 टू कैरी, 24 and 2, 26 फिर टू कैरी, 24 and 2 26। अगर कह रहे हैं कि आप 9 से भी चेक कर लेते हैं, 3 3 3 को 9 से, 9 3s are 27 टू कैरी, 27 28 29 फिर टू कैरी, 27 and 29, ये अमाउंट आपकी 9 वाली बढ़ जाती है, इसलिए हम 8 वाली ही लगाएंगे, 2 6 6 4 सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ से आ गया 13 में से आपने 4 बाकी 9, 15 में से 6 9, 8 8 में से 6 एंड 2, ऊपर से लास्ट डिजिट आपके पास आ गया 7। अब ये देखिए, हमने 9 से मल्टीप्लाई किया था वो पूरा पूरा कंप्लीट हो जाता है, 9s are 2 9 9 7 और आपके पास यहाँ पे 0 बच गया, ये आपके पास हो गया रिमाइंडर और ये आपके पास हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 15 तक आपने इसी तरह से कंप्लीट कर लेने हैं। आज का लेक्चर इख्तिताम होता है, ये एक्सरसाइज मैंने आपको 2 दिन में कंप्लीट करवाई है, अच्छे तरीके से नोट कर लेना। अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।